रावण और मेघनाथ को बाद धूत पहुंच में हाँ। दो बे बना थे पुतला हाँ। तो उन्हें दौड़ा दौड़ा के एक ग्राउंड नेम आया था धनुतला हाँ। ठीक वहीं रामलीला को मतलब जो भी कार्यक्रम है रावण रावण को बस वही हो ही मेला लगा बड़ो हाँ। तो दौड़ा दौड़ा के मारत है रथन पे लगा थे रामलीला है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उसका नाम दर्ज है। ग्राउंड में ही भगाते हैं एक्चुअली जो पुतले रहते हैं ना उनके नीचे भील लगे रहते हैं पहिए लगे रहते हैं और वो रस्सियों से बंधे रहते हैं तो चार लोग आगे रहते हैं चार लोग पीछे रहते हैं और घसीटते हैं। वहाँ पर एक लंका भी बनी है परमानेंट लंका है हाँ। तो अच्छा परमान अभी जाएंगे तो अभी भी मिलेगी हाँ अभी भी मिलेगी परमानेंट लंका बनी हुई है। जैसो अपन ने फिल्मन में रामायण देखी हाँ। भाई स्तर को युद्ध होत हाँ। भाई स्तर को रावण की अलग एक सेना चल रही हाँ। राम भगवान की अलग एक सेना चल रही और भव्य आयोजन है एकदम। छः सात साल के तब से देखा आ रहे दो दो सौ पाँच सौ लोग जब वे पुतलन को खींचे थे और बाकी बात एक भव्य आतिशबाजी को भी आयोजन हो बुंदेलखंड में अगर सबसे अगर हम देखें अभी तक हमने जहाँ भी दशहरा देखो है हाँ। तो कोंच में थोड़े अच्छे लेवल पे मतलब जो रावण को बद करो जात वो भव्य तौर पर दिखा होगा। तो गुरु जो बुंदेलखंड है बुंदेलखंड के अलग अलग शहर अलग अलग कस्बा में अलग अलग तरीके से रावण को मारो जात लेकिन कछु कोंच के भैया हर में मिले जालौन में कोंच है एक अच्छी जगह है कोंच में एक अलग ही तरीका से रावण को मारवे की कहानी जो लोग बता रहे हैं हमने कही चलो शूट करके पूरे बुंदेलखंड को बताएं क्या कहानी है कोंच के रावण की। कोंच की रावण की कहानी ये है कि लगभग पिछले 100-150 वर्ष से हाँ। कोंच में भव्य दशहरा का आयोजन किया जाता है हाँ। तकरीबन 10 से 15 हज़ार 20-20 हज़ार लोगों को भी भीड़ लग जाती है हाँ। बुंदेलखंड में अगर सबसे अगर हम देखें अभी तक हमने जहाँ भी दशहरा देखो है हाँ। तो कोंच में थोड़े अच्छे लेवल पे मतलब जो रावण को बद करो जात वो भव्य तौर पे दिखा होगा हाँ। तो रामलीला अपनी शुरू हो जात लगभग सितंबर से लेके अक्टूबर तक चलत हैगी हाँ। आज दशहरा से 4 दिन बाद तक वहाँ को अंत होत तो रावण को जा तरीका से कहूँ नहीं करो जात हुई है हाँ। रावण को रावण और मेघनाथ को बद होत कोंच में दो बे बना थेंगे पुतला तो उन्हें दौड़ा दौड़ा के एक ग्राउंड नेम आया था धनुतला ठीक हाँ। वहीं रामलीला को मतलब जो भी कार्यक्रम है रावण रावण को बस वही हो ही मेला लगा बड़ो हाँ। तो दौड़ा दौड़ा के मारत हैं रथन पर लगाते हैं हाँ। और उतई बढ़िया बधोतबा को हनुमान जी को उतई फिर संजीवनी बूटी ले आई जात ठीक हम कह रहे लक्ष्मण जी की लान है संजीवनी बूटी ले आत बहुत भव्य आयोजन हो आपको हम कछु क्लिप भी दिखाए अब जैसो अपन ने फिल्मन में रामायण देखी हाँ। भाई स्तर को युद्ध होत हाँ। भाई स्तर को रावण की अलग एक सेना चल रही हाँ। राम भगवान की अलग एक सेना चल रही और भव्य आयोजन है एकदम हाँ। अगर जो लोग भी एक बार देख लें तो उनको वहीं दशहरा देखने को मन कर रहे बाकी भैया बताएं आप का भीड़ कितनी का भीड़ जुटा तो है काफ़ी भीड़ रहती है कम से कम हजारों में भीड़ रहती होगी और एक तो मेन बात ये है सीता हरण का भी मेला होता है हमारे कोंच में सीता हरण का भी मेला होता है और वो नवरात्रि के छठे दिन होता है जो छठ होता है ना उस मेला को हम छठ मेला के नाम से भी जानते हैं और ये टंकी ग्राउंड है खेरा चौराहे उधर होता है उसमें सीता जी का हरण होता है और हरणकुश का वध होता है उस दिन सीता जी का हरण हो जाता है रावण अपने साथ लेके जाता है वो भाई स्तर से वो भी उसी उसी जैसे रावण को जैसे युद्ध होता है रावण के साथ हाँ। भगवान श्री राम का उसी स्तर से जल विहार का मेला भी होता है हाँ। जब हिरणाकश का वध करते हैं हाँ। तो ऐसे ही उसी स्तर से जैसे दौड़ा दौड़ा के मारते हैं रावण को वो भी हम अगर आपको हो सके तो दिखाएंगे हाँ। वो और स्तर से होता है और भव्य तरीके से हाँ। पूरा कोंच हर समाज हिंदू मुस्लिम हर समाज के लोग उसको देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और अच्छा, इन लोगों को नहीं लो इन लोगों को भी कछु बना दो करे जैसे उनमें हाँ रामलीला में कई तरीका के किरदार होते हैं बड़े मशहूर लोग हैं इन लोगों को काय को किरदार दे सही बताओ ईमानदारी से अगर दें तो ये सब रावण के लंकेश रंगापति रावण की सेना में हुए भैया सब हमारे लंकेश की सेना वाले जय लंकेश वाले हैं ये लोग हम तो जय राम वाले हैं लेकिन ये लोग लंकेश वाले हैं भैया हमारे जैसे ये तमिल से हैं जैसे एक भैया जी हमारे तमिल से हैं तमिलनाडु से हैंगे जे अगर कछु बता पाए नचे से हाथ जोड़ रहे भैया तमिल वमिल से नहीं है अपने झांसी के हैं स्टूडेंट्स हैं तो
बढ़िया है, कौन लंकेश की सेना के नहीं है, लेकिन कहूँ कहूँ मौका लगे जैसे तो का पढ़ो, रामलीला हुई है और तुम्हें पात्र बनाओ दे तो का, हम तो राम बनेंगे। हाँ राम बनेंगे भाई, तुम क्या बनोगे? प्रभु श्री राम की सेना में बनोगे क्या? राम से ही बनेंगे भाई हम भी। क्या प्रभु श्री राम के सेवक? मैं एक रामलीला कौन सेवक, कौन नील बन जाएंगे हम, नील बन जाएंगे। नल भी का है, जैसे अगर रामलीला में तुम लोगों को जुड़ो जाए तो काय को करता। देखो रामलीला, पहले मैं आपको कौच का एक चीज बता दूं कि जो कौच की रामलीला है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उसका नाम दर्ज है। और खासकर इसलिए भी दर्ज है कि जो भी उसमें जो किरदार निभाते हैं जो लोग, वो किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेते। जो महीने डेढ़ महीने जो पूरा रामलीला चलती है उसमें जितने लोगों का जो किरदार रहता है वो सभी लोग उसमें निःशुल्क कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सालों से परंपरा चली आ रही, लगभग 170 वर्ष होने जा रहे होंगे, जैसा कि अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि वो बताते हैं कि लगातार ये चलता है। और शहर में कई जगहों पर इसका आयोजन किया जाता है, केवल एक जगह नहीं कि एक स्पॉट पे खाली मंच है वहाँ रामलीला, वो तो होती है, लेकिन इसके जो तमाम जो जो पूरा रामलीला की तमाम जो घटना है उनको अलग अलग जगह जो शहर में फिक्स की गई हैं वहाँ पे मनाया जाता है बहुत भव्य तरीके से। आपने जब देखो तो कैसो देखो, का तरीका है? तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मतलब वहाँ एक स्कूल है सूरज ज्ञान मॉडल पब्लिक स्कूल, तो उसमें पढ़ते थे, उससे जब छुट्टी रहती थी इस दिन की, तो हम लोग पापा के साथ तो नहीं, खुद ही अकेले जाते थे, तो घर वाले रोकते थे कि भाई आराम से जाना, नहीं भीड़ में कहीं दब दबू जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और भीड़ हज़ारों में रहती है। और वहाँ पर जब इन्हें जैसा बताया कि दौड़ा भगा के रावण को मारा जाता है, तो उस दौड़ भाग में खुद को बचाना भी रहता है, लेकिन उसी में लोगों को बड़ा मनोरंजन भी होता है। और एक तरह से जो शहर के सभी लोग हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, वो इसमें मिलजुल कर बड़ा ही उत्साहित रहते हैं। दौड़ भाग जा कैसी हो, कैसे भगा भगा के, मतलब ग्राउंड ही में भगाते या शहर में भगाते? ग्राउंड में ही भगाते हैं। एक्चुअली जो पुतले रहते हैं ना, उनके नीचे व्हील लगे रहते हैं, पहिए लगे रहते हैं, और वो रस्सियों से बंधे रहते हैं, तो चार लोग आगे रहते हैं, चार लोग पीछे रहते हैं और घसीटते हैं, आगे ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं। और वहाँ पर एक लंका भी बनी है, परमानेंट लंका है। तो अच्छा, वहाँ परमान अभी जाएंगे तो अभी मिलेगी? हाँ अभी भी मिलेगी, परमानेंट लंका बनी हुई है, नगर पालिका ने बनवाया है उसे, और आज नहीं काफ़ी टाइम पहले बन चुकी थी वो। तो उधर काली देवी का मंदिर भी है, शनिदेव का मंदिर भी है, तो जो शनिदेव का मंदिर है उधर राम कुटिया बनती है, राम भगवान और उनकी सेना सब उधर ही बैठी रहती है। और फिर जैसा कि भाई ने बताया कि संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी पर्वत लेने ही जाते हैं, बकायदा मशीन से जाते हैं, वो उड़ते हुए जाते हैं बकायदा। तो बहुत ही भव्य रामलीला और दशहरा का आयोजन किया जाता है, और बस यही सब है। बताओ कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि अपन ने कौन की रामलीला नहीं देखी। एक बार भैया हम लोगों को जो है कि जो भी लोग जो है इंटरव्यू देख रहे या जो भी जा समाचार देख रहे, तो सभी जने एक बार अगर जीवन में मौका लगे तो कोंच की रामलीला और संगे संगे दशहरा जरूर एक बार देखाना है। हमारे ख्याल से हमने तकरीबन हम हुई हैं 6-7 साल के, तब से देखा आ रहे 200-200 500 लोग जब वे पुतलन को खींचे थे, और बाकी बात एक भव्य आतिशबाजी को भी आयोजन हो, रावण को मारवे के बाद पूरे नगर में भव्य आतिशबाजी करी जात भव्य तौर पे बड़े। और क्या काट दिख गए इतनी आगे और क्या बताएं को काट दी और कहा है यही सब चीजें हैं कोंच के बारे में। अच्छा कोंच के बारे में, कोंच में एक चीज और है, कोंच में सबसे छोटी रेल लाइन भी थी आज से साल भर पहले तक, पूरे देश भर में सबसे छोटी रेल लाइन कोंच से लेके 8 तक चलती 15 किलोमीटर की। हाँ, सबसे छोटी है, जनरल नॉलेज में अपन ने पढ़ो है। हाँ पूरे देश में सबसे छोटी। नेक्स्ट टाइम आइएगा आप कोंच तो वहाँ के बूढ़े बुजुर्गों से और आपको इसकी डिटेल में बताएंगे, बायोपिक क्या है क्या नहीं है। हम लोग तो आप अभी थोड़े नए हैं, कोंच के लोग काफी मिलनसार हैं। आप आओ, आप सब लोग आओ, सब झांसी के सिंह लगाए नहीं, झांसी के सिंह नहीं लगाए, मतलब गांव को जो वो एक वातावरण, वो कोंच के लोगों में बहुत अच्छो घनिष्ठता है, हर व्यक्ति हर आदमी से जुड़ो भाव है, सब में सब प्रेम है, सब लोग एक दूसरे से मिलनसार हैं। जब अगली बार इस कार्यक्रम को बुंदेली वार्ता कम से कम दशहरा वाला कार्यक्रम जरूर कवर करें। बिल्कुल कवर करेंगे, अब आप लोगों ने बताया तो बिल्कुल। आशुतोष भैया से बिल्कुल ये निवेदन है कि कोंच की दशहरा तथा रामलीला एक बार बुंदेली वार्ता पर जरूर दर्शाई जाए।
तो आज जा कह नहीं पाए जैसे, तो होते तो आनंद आ रहा होगी यार। आज थोड़ो कार्यक्रम वगैरह है भी है और एक पूजा वूजा भी हो अपने ते जा चक्कर में, अपन सस्ता पूजा के चक्कर में आज नहीं जा पाए। दशहरा का अनुभव जो हमारा है पर्सनल वो यही है कि दोस्तों साथ सुबह से निकल जाते हैं, बढ़िया मिलते हैं उनके साथ, घूमते हैं। इसके अलावा माताएं भी निकलती हैं विसर्जन के लिए, तो उनके भी दर्शन करते हैं, दो साथ पान वगैरह खाते हैं। आशुतोष भाई से मिलते हैं दशहरा के दिन, है ना, बड़ी खुशी होती है उनसे मिलके। आपने जालौन का तो पहुँच का पता कर लिया, झांसी का भी तो बताओ। झांसी में मुझे लगता है सबसे जो बड़ा स्वरूप, अच्छा स्वरूप जो देखने को मिलेगा वो क्राफ्ट मेला ग्राउंड में मिलेगा, बड़ा भव्य जो सुना है, अभी तक मैंने भी नहीं देखा, समय नहीं मिल पाता है या आजकल आलस भी ज़्यादा है, तो ये चीज़ें हैं। क्या देखो क्राफ्ट मेला वालों, अभी तक नहीं देखे मैंने है? मैं इसी साल आया हूँ। कहाँ? साउथ से? बनारस से। अच्छा कोंच की एक खास बात और है कि कोंच में विसर्जन पूरे देश में हमारे हिसाब से आज के दिन होता है ना, 9 दिन देवी जी बैठती हैं, लेकिन कोंच में दशहरा के बाद विसर्जन हो। अच्छा हाँ, जैसे आप देखा थे अपन लोग के सब जगह आज विसर्जन हो रहा हो, जहाँ से अपने पूरे बुंदेलखंड में आज के दिन विसर्जन है, कोंच में दशहरा के अगले दिन विसर्जन हो, यानी कि कल होगा। आज अपन रिकॉर्ड दशहरा को रिकॉर्ड कर, केवल विशेष मेला की वजह से, दशहरा के मेला के कारण अगले दिन विसर्जन हो। ये थी कोंच की जो रामलीला है, रावण दहन है, रावण दहन बोलते हैं, रावण दहन या दशहरा है या रामलीला है जो 2 महीने लगातार चलती है, उसके बारे में हमारे ये जो साथी थे, भाई लोग थे, ये मिल गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना आपको कोंच की रामलीला के बारे में बताएं, और जब कभी आपको मौका लगे तो एक बार कोंच जरूर जाइएगा, हम भी समय निकालेंगे, हम भी जाएंगे, आप लोग भी जाइएगा, और अपन लोग देखेंगे कि कोंच में असल में रामलीला का जो स्वरूप है या रावण दहन का स्वरूप है वो बुंदेलखंड से कैसे अलग है और कैसे अपने आप में अनूठा अद्भुत है, वो अपन लोग देखेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।